नमस्कार सारा राज्य बड़ खबर रु आरंभ करबा आज बुलेटिन किंतु प्रथमे देखने बा हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर सरारबाला सर्वबृहत कैंपेन मोड रे मागणा टीकाकरण अभियान टीकाकरण केंद्र को जाय जांच कले केंद्र मंत्री समग्र देश रे रिकॉर्ड 70 लाख लोकन को दिया गला वैक्सीन ओडिसा रे भी चलिला मागणा टीकाकरण टीका कहार एपर्यंत केन्द्र दे 85% राज्यर मात्र 15% किंतु टीकाकरण केन्द्र रे प्रधानमंत्री मोदी फटो नई तातिले बीजेपी कर्मी बालेश्वर अनुगुल रायगड़ा समेत राज्यर विभिन्न स्थान में उत्तेजना कोरोना काल में बढ़ला जोगर महत्व अंतर्जातीय जोग दिवस रे सारा विश्व में जोगर क्रेज आमेरिका टू यूएई सियाचिन रु पंडाघाटी नेता मंत्री रु साधारण जनता जोग दिवस रे समस्ते हेले काठी यूट्यूब क्लास बेलिकी अभियान आरंभ रु झुंटिलाणी गण शिक्षा विभाग खाली उपांत अंचल नुहे राजधानी रो स्कूल गुड़ी करे होई परेला नाही यूट्यूब पाठ पढ़ा केउठी नेटवर्क असुविधा तो आउ केउ स्कूल रे लाइव स्ट्रीमिंग पाई नाही आनुषंगिक व्यवस्था सारे नष्ट होउछि देशर सबुठु अधिक खाद्य शस्य गोदाम रे नष्ट खाद्य शस्यर 43% ओडिशार प्रश्न लोके भोकिला रहुथुआ बळे काहे कि नष्ट होउछि खाद्य शस्य प्रतारणा पलटिछि प्रति पंचायत रे गोदाम घरर प्रतिश्रुति केबे बंधा हेबे नकली औषधर सौदागर शिवप्रसन्न डुप्लिकेट मेडिसिन जबत को पुरिला 10 दिन एबे भी पुलिस हाथ खाली नवदास प्रताप जेना देवाशीष सामंतराय का भूमिका को नहीं प्रश्न उठाइले विरोधी एवं स्वप्न रहीगला ब्रह्मपुर आयुष हॉस्पिटल केन्द्र अर्थ पड़ी हेले जिला प्रशासन नहीं पारुना निष्पत्ति विभाग मध्य नहीं समन्वय अर्गस सात में लगला प्रशासन अपारगतार एक्सक्लूसिव दस्तावेज देशरे आरंभ होइछि सर्वबृहत मागणा टीकाकरण अभियान कैंपेन मोड रे आरंभ होइछि टीकाकरण प्रक्रिया 18 वर्षरु अधिक समस्तंकु मिलिब मागणा टीका आज प्रथम दिन रे केन्द्र मंत्री माने टीकाकरण केन्द्र को जाय जांच करिछंती प्रथम दिन रे समग्र देश रे 50 लाख को टीकाकरण पई लक्ष्य रखा जायछि एपटे प्रधानमंत्री घोषणा अनुजाई ओडिसा रे भी आरंभ होइछि मागणा टीकाकरण प्राय 2000 केन्द्र रे टीका देवा को व्यवस्था करा जाय छी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। देशरे आरंभ होइछि कैंपेन मोड रे विश्वर सर्वबृहत मागणा टीकाकरण अभियान समस्तंकु मागणा वैक्सीन जोगाई देबे केंद्र सरकार देशरे 18 वर्षर ऊर्ध्व प्रत्येकंकु दिया जीव कोविड-19 टीका भारतर एही पर्याय टीकाकरण रे सबुठु बड़ हिताधिकारी देशर गरीब मध्यम वर्ग ओ युवपीढ़ी प्रथम दिन रे देशर विभिन्न स्थान रे केंद्रमंत्री माने टीकाकरण केन्द्र को जाय जांच करिछंती केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह पहुंची गांधीनगर कोलाफदा गाँव में होता वैक्सीनेशन सेंटर रे दिल्ली आरएमएल हॉस्पिटल जाते बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपाध्यक्ष वैजयंत पंडा और केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सरोजिनी नगर सीजीएचसी डिस्पेंसरी में टीकाकरण अभियान शुभारंभ कर फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम मोदी जी का संदेश कि वैक्सीनेशन किया जाए और कोई भी वैक्सीनेशन से बचे नहीं सब कोई वैक्सीनेशन कराएं भारत की 130 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सब लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय किया है भारत में सभी नागरिकों को भारत सरकार
अपने खर्चे से, केंद्र सरकार के खर्चे से सभी नागरिकों को मुफ्त में टीकाकरण का अभियान आज से तेजी पकड़ रही है। करोड़ों लोगों को प्रति माह टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री का घोषणा अनुजाई समग्र देश में कैंपेन मोड रे आरंभ हुई टीकाकरण प्रक्रिया। राज्य में 18 वर्ष ऊर्ध्व टीकाकरण लगे प्राय 3.9 कोटी लोक रही। टीकाकरण पर 2000 केन्द्र में टीका दिया व्यवस्था कर डीएमईटी कहते उपाद अंचल टीका ने अनिच्छा प्रकाश कर लोकं सचेतन कर समस्त टीकाकरण पर सरकार चेष्टा कर वैक्सीनेशन सेंटर भी प्रस्तुत कर रखा जाए। आमर आशा अंगनवाड़ी वर्कर आम हेल्थ वर्कर मैंने डोर टू डोर कैंपेन बर्तमान करुँच डोर टू डोर सर्वे लोक प्रदर्शित करोक वार्ता पहुँचे जे टीका सेफ टीका ने कि असुविधा नहीं टीका हूँ एकम्र बाट ये कोरोना पैंडेमिक को कंट्रोल करने टीकाकरण पाई जहाँ जहाँ इनफ्रास्ट्रक्चर आम तो प्रस्तुत कर रखीचु आम वैक्सीनेशन साइट सफिशिएंट नंबर रे रखीचु वैक्सीनेटर भी सफिशिएंट नंबर ट्रेंड है एवं इन कोर्स ऑफ टाइम आहुरी भी गुड़ाए लोक ट्रेंड है। देश में वर्तमान सुधा 28 कोटी 36 लाख रु अधिक लोक टीका दि सरला। केन्द्र सरकार वर्तमान सुधा 30 कोटी टीका डोज जोगाई देछंति। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। टीका कहार एपर्यंत केन्द्र दे 85%, राज्यर मात्र 15%। सेबड़े किंतु टीकाकरण केन्द्र में प्रधानमंत्री मोदी फटो नथिबा नै ताति बीजेपी कर्मी। बालेश्वर, अनुगुल, रायगढ़ समेत राज्यर विभिन्न स्थान में उत्तेजना देखा मिली। सारा देश में आरंभ होइछि 18 वर्षरु अधिक सबु नागरिकंकु टीकाकरण अभियान। विश्वर सर्वबृहत मागणा टीकाकरण अभियान भावरे केन्द्र सरकार आरंभ करिछन्ति एही योजना। सबु टीका केन्द्र देव ना राज्य किणिब विवाद चलिला दीर्घ दिन। विभिन्न राज्य सरकार निजर नागरिकंक पई 18 रु 44 वर्ष पर्यंत नागरिकंकु निज खर्चरे टीका देवार आरंभ करिथिले प्रक्रिया। ओडिशा सरकार ग्लोबल टेंडर माध्यम रे टीका किणिबा पई आरंभ करिथिले काम। मात्र एही ग्लोबल टेंडर मझिरु फसर फाटी जाइथिला। केउं भी विदेशी कंपनी टेंडर रे अंश ग्रहण करिनथिले से विषय रे आहुरी स्पष्टीकरण दरकार। जो मैंने अप्लाई करिछन्ति आमे तो कहिछु जे माने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबा ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज। आम टेंडर रे कंडीशन अच्छे आम तो कही नु तेना आग गुड़ा कहीं फेल्योर है से रेस्ट्रिक्शन बहुत थिला किंतु आ भितर लास्ट 2-3 दिन भितर आप रेस्ट्रिक्शन रिलैक्स हो गला तेणु रिलैक्स आम तो कही एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ ड्रग्स दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। सबुठारु बड़ आश्वस्ति मिलला नागरिकंकु जेतेबेले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कले बड़ घोषणा 18 रु अधिक सबु नागरिकंकु मागणा टीकार कले बड़ व्यवराध सह त्वरित टीका उत्पादन रो प्रबंधन। 18 रु 44 वर्ष छाड़ी पूर्वरु सम्मुख कोविड योद्धा परे वरिष्ठ नागरिक और तापरे 44 वर्षरु अधिक समस्तंकु टीकाकरण अभियान आरंभ करिथिले मोदी सरकार। देखंतु ए हिसाब राज्य रे एपर्यंत दिया जाइथिबा टीकारु केन्द्र और राज्यर भाग। 20 जून सुधा राज्य में टीका नेछंती मोट 96,92,912 जन। ता भितरु राज्य देछि 15,19,622 टीका। जदि प्रतिशत देखिबा ताहाले राज्य सरकार मोट टीकार मात्र 15% टीका देछंती। बाकी 86% केन्द्रर। जेतेबेले 3.5 कोटी लोक ओडिशार टीका नेबे सेतेबेले राज्यर भाग अति नगण्य होइछबो। मात्र राज्य में मिशन मोड्रे टीकाकरण अभियान प्रथम दिन में देखा देछि बड़ विवाद। सबुआड़े टीका राज्य सरकार मुख्यमंत्री फटो सह टीका अभियान में सामिल थिबा लोकंकु दिया जाइछि सूचना। एहाकु नै सृष्टि होइछि विवाद। बालेश्वर हेउ बा अनुगुल कि रायगड़ा अनेक स्थान में बीजेपी कर्मी माने प्रतिवाद करिछन्ते। किछि स्थान में मोदी पोस्टर लगाई एहा केन्द्र टीका बोली करिछन्ति प्रचार। सबुआड़े राज्य सरकार रो नवीन बाबू को फोटो लगा हिची केन्द्र सरकार रो किछी नाही केन्द्र सरकार जमती टीका नाही से जिनस चलतला मागणा रे टीका जोगे मोदी सरकार टीका जोगे दोथवा बेले राज्य सरकार हीन राजनीति करी
ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଆଜି କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ବାହାବାହା ନେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହୁ ସେଥିରେ ଆମର ସହଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୁନର ହୀନ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଫ୍ଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଜରୁରୀ, ଟିକା ହିଁ କୋଭିଡ୍ରୁ ଦେବ ସୁରକ୍ଷା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରର ଓ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ ରାଜ୍ୟର। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗୌଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖାଲି ବିଜେପି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଗକୁ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। କରୋନା କାଳରେ ବଢ଼ିଲା ଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯୋଗର କ୍ରେଜ। କେଉଁଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାର୍କରେ ଯୋଗ କଲେ ଲୋକେ, ଘରେ ଘରେ ବି ଯୋଗାସନର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେରିକାରୁ UAE ଓ ସିଆଚିନ୍ରୁ ବଣ୍ଡାଘାଟି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ ଯୋଗ ଦିବସରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଯୋଗର କ୍ରେଜ। ଯୋଗ କର, ସୁସ୍ଥ ରୁହ, କରୋନା କାଳରେ ବଢ଼ିଲା ଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଏକାଠି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ସମେତ ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ସବୁଠି ଯୋଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଉତ୍ସୁକତା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ। ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯୋଗରୁ ସହଯୋଗର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। କରୋନା କାଳରେ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଛି ଯୋଗ, ଏହା ସହ ହୁ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ ୟୋଗା ଆପ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत कोण अनुकोण योग मुद्रा चित्र सामना को आसी केंद्र मंत्री नितिन गडकरी धर्मेन्द्र प्रधान ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସିଆଚେନ୍ରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯୋଗର ଉତ୍ସୁକତା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯବାନମାନେ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଆସନ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଯୋଗ ଦିବସରେ ଲଦାଖରେ ବିଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ITBP ଯବାନମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଧୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆସନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ନେଇ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲାଲଗଡ଼ ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ଥିଲା ଯୋଗର ଆଗ୍ରହ। ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଲୋକେ ଯୋଗ କରିବାର ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୋଗ ଦିବସରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଜଳଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁଧୀର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅଶୋକ ବରାଳ।
जल जोग कर भिन्न ढंग से पालन करोग दिवस बहुत सहज आम शरीर को किमती आम श्वास प्रश्वास को सूक्ष्म भाव में ने आम केवल पानी को भासी पार आम बडीटा को आम हाल्का करदेला आम पानी में भासी पार्टी और ये बहुत सहज और आम एम घंटा घंटा धरिक भी भासी पार विभिन्न स्थानीय जोग दिवस भिन्न भिन्न चित्र देखा मिली जोग दिवस कोविड योद्धा मैंने निजक सामिल करते एकाठी हो समस्ते जोग कर देखा विदेश में दिवस को नहीं उत्साह देखा मिले आमेरिका ठू आरंभ कर यूएई पर्यंत सबुठी जोग को नहीं कार्यक्रम रूस मस्को में भारतीय दूतावास जोग दिवस पालन होस सारा रूस में जोग दिवस पालन पर स्वतंत्र कार्यक्रम मान आयोजित होता से यूएई दुबई आयरलैंड म्यांमार समेत सारा विश्व में पालित होग दिवस स्वास्थ्यवान शरीर पर जोग करने नितांत आवश्यक यह व्यस्तता भाव दुश्चिंता अस्वास्थ्य जीवनशैली उपरे सकारात्मक प्रभाव पकाए जोग करने द्वारा शारीरिक मानसिक शांति मिलता है रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाई थाए ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज यूट्यूब क्लास आरंभ होता अभियान में प्रथम झुंटिला गणशिक्षा विभाग खाली उपांत अंचल नुहे खोद राजधानी स्कूल गुड़िकला ना आज यूट्यूब पाठ पढ़ा क्योंठारे नेटवर्क असुविधा तो आउटी स्कूल रे लाइव स्ट्रीमिंग आनुषंगिक व्यवस्था नथिबारु अनेक स्थान रे क्लास होई पारी नाही तेबे राजधानी रे लाइव स्ट्रीमिंग फेल मारिथिले भी मंत्री कहउछंती 80% पिला यूट्यूब स्ट्रीमिंग रे जोड़ी हेले तेबे मंत्री का ये मंतव्य को हजम करि पारु नाहंती पिला आउ अभिभावक आरंभ हला यूट्यूब रे पाठ पढ़ा प्रथम रु दशम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा पाठ पढ़ार अभियान शुभ उद्घाटन कला गणशिक्षा विभाग यूट्यूब रे पाठ पढ़ार लाइव स्ट्रीमिंग आनुषंगिक व्यवस्था करने को सबू शिक्षा जिला अधिकारी आगुआ अवगत करा पूर्व प्रकाश पाई टाइम टेबुल अनुसार प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री पाठ पढ़ा 9 टा रु 10 टा चतुर्थ रु अष्टम श्रेणी पर्यंत 9 टा रु 10 टा 30 नवम दशम श्रेणी पर समय थिला 10:45 रु दिन गोटाए राजधानी में ही झुंटिला लाइव स्ट्रीमिंग कौन सी भी स्कूल ले ठीक समय रे ऑनलाइन पाठपढ़ा हो पारा ना आमर स्कूल रो सब व्हाट्सएप ग्रुप तैयारी है तो आमको आम सहित लिंक शेयर हो ब्लॉक लेवल रु जोटा कि आम पिला क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप रे पठाउछु आ सेम थ्रू पिला माने क्लिक करके से टाइम रे लाइव क्लास से माने देखु जंती निमापड़ार दुईट स्कूल में पाठपढ़ा देखापुर गणशिक्षा मंत्री कहते प्रथम दिन में 80% पिला यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग रे जोड़ी हेले एक भी कहले कि छात्र छात्री मोबाइल ना कि स्थान में इंटरनेट भी ना मोबाइल नथिबा पिलांक घर को शिक्षक जिबे और नेटवर्क स्थान चिन्हट कर शिक्षक पाठ पढ़ाइबे तेज आपण मन को प्रश्न आसुव सतरे कौन 80% पिला ऑनलाइन रे जोड़ी हेले सरकार ऑनलाइन पाठ पढ़ार वास्तवता को जानवा पर आपण मनर ए संदेह दूर हो देखु गत नवेम्बर में खोद मंत्री समीर दास विधानसभा ए तथ्य को राज्य मात्र 31.90% पिला ऑनलाइन रे पाठ पढ़ी पार्टी कंधमाल यह सबुठ कम 24% नवरंगपुर और बौद्ध में यह 30% रु कम 28% पिला घरे स्मार्टफोन में पाठ पढ़ी प्राय अभाव 80% पिला एटी जोड़ी होती बाकी पाखापाखि 20% पिला 9th 10th एवं इयर से जोड़ी हे संभव हो पारि ना तो विभाग यह संपर्क में विचार करुच्चे तो नेट थी ये अवस्था से पिला आंड्रियो ना नेट रो समस्या ना कि पिला आंड्रियो ना जेहेतु से जोड़ी हो पार ना गोटे सर्वे स्टाटिस्टिक्स दिया जाऊ केते परसेंट पिला पढ़ी पार्टी किंबा से किसी जोगे दि जाऊ गोटे एजेन्सी की दि जाऊ जो मैं हैंडसेट जोगे दिखाँ कि गैजेट जोगे दिखाँ अदरवैज कौन हम ना यूट्यूब पाठ पढ़ाई आम कौन केवल सहरांचल के किसी परसेंट पिला पाठ पढ़े ग्रामांचल यहाँ पहुँची पार्वन एवं शुणु यूट्यूब शिक्षा को नहीं कौन कहते उपात अंचल पिला और अभिभावक ना मु करि कोनि कारण हम घरे मोबाइल नाइ पडिसार मोबाइल रु करथिली त हम जदि अन्य किछ व्यवस्था हेथांता ताल त पडि पर थांत गवर्नमेंट जन ऑनलाइन क्लास रो पद्धति नै छन सेत पे हम पर मोबाइल नाइ न मोबाइल जदि भी अछे ताल हम पर नेट नाइ सेत पे पढवा रे असुविधा होउछे आ जदि गवर्नमेंट जदि अलगा पदक्षेप नले ताले हम पे पढवा लगे सुविधा होन छन नेशनल सैंपल सर्वर रिपोर्ट अनुसार राज्य 78.4% अंचल रे
टेली जोगाजोग व्यवस्था होई परिची। टेली जोगाजोग व्यवस्था हेला परे ही इंटरनेट पई डाटा सेवा उपलब्ध होई थाए। उपांतरे अनेक अंचल अछि जेउठी मोबाइल सेवा नाही कि स्मार्टफोन भी नाही। एपरि स्थिति रे सरकारकर यूट्यूब ओ ऑनलाइन शिक्षा केमिति चालिबो ए स्पष्ट अनुमय। ब्युरो इनपुट स भुवनेश्वर सतरूपा सामंतरायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर आगो को बिजारी रहबो किंतु समय जाय छे आ गोटे बिरति रो। नकली कोरोना औषध जबत घटना को पुरिलाणी 10 दिन हेले जाय गिरफ होई पारिले नाही। नकली औषध साम्राज्यर खलनायक माने सेबडे फाविफिराभिर नकली थिबार स्पष्ट होइथिबा बळे अजिथ्रोमाइसिन ओ विटामिन सी परी कोरोनार बहुल व्यवहार न प्रकारर औषधर परीक्षा रिपोर्ट क्वाडे गला ताकू नै प्रश्न उठिथिबा बळे वर्तमानर स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास, पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री प्रताप जेना एवं बीजेडी कटक जिला सभापति देवाशीष सामंतरायक भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई विरोधी। देखंतु रिपोर्ट सुरक्षा पछरे किए नकली कोरोना औषध जबत घटना को पुरिला 10 दिन हेले औषध व्यवसायी शिव प्रसन्न जेना एजाए हेला नहीं गिरफ। सेपटे आलु खोलु खोलु महादेव बाहर भली गोटे पर गोटे अभियोग राज्य सरकार का आभिमुख्य उपरे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाई आउ विवाद घर को आसी स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास और पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री तथा राज्य सरकार का पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप जेना विवाद को आसी खोद कटक जिला बीजेडी सभापति तथा पूर्वतन विधायक देवाशीष सामंतराय। प्रताप नव आउ देवाशीष भूमिका को नहीं बीजेपी प्रश्न उठाई बेले मंत्री नवकिशोर दास का इस्तीफा दावी करिछि कांग्रेस आउ कांग्रेस कहिछि नवंक पई ही चली थिला ही साम्राज्य आउ राज्य रे नकली औषध कारबार घटना दीर्घ दिन हला चालुथुवा बेले केमिति जानी पारिलानी राज्य स्वास्थ्य विभाग। कटक हेउछि पाइकारी औषध जोगाणर केन्द्र भात हांडीरु गोटिए भात चिपिला भली नकली फाविफिराभिर मिलिबा परे संदेह सृष्टि होइछि। कटकरे गढ़ी उठुवा नकली औषध वितरण साम्राज्यर रूपरेख खोद नकली औषध व्यवसायी शिवप्रसन्न जेना प्रताप नव देवाशीष संपर्क को नहीं एवं तीन नेता काठगड़ा को टाणी विरोधी बीजेपी और कांग्रेस। ये शिवप्रसाद जेना किए कहा सांगरे संपर्क अच्छे सरकार खुलासा करिवे कि देवाशीष सामंतराय कटक पूर्वतन विधायक कौन संपर्क अच्छी सरकार खुलासा करिवे कि पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री प्रताप जेना संगे कौन संपर्क अच्छी एवं वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री नवदास संगे कौन संपर्क अच्छी को प्रकार संपर्क अच्छी से कथा खुलासा हवा दरकार। यही सरकार जेभली बेबिना परी केस को दबाई दौची जेभली महिला मान राजनीति करुच्ची से भाया कोविड केस रे मरी लोक मान राजनीति करते बड़ गोटे काउंटरफेट मेडिसिन काउंटरफेट मेडिसिन गुड़ा एभेलेबुल आत मात्रा रे सेटा को जबत कर विभिन्न जगार औषध मिली तथा तो स्पुरीयस मेडिसिन गुड़ा एभेलेबुल अच्छे दोकान रे विभिन्न जिले रे विभिन्न राज्य रे किंतु किछि हो नाही तांको पळे जाय पे पूरा समय दिया जाउची। फाविपिराविर रा टेस्ट रिपोर्ट नकली थिबा स्पष्ट करिछंती खुद ड्रग्स कंट्रोलर। कटकरु जबत हेबा परे राज्यर राउरकला संबलपुर बलांगीर परि जगा रे मध्य चढ़ाऊ होतिबा कथा कहिथिले ड्रग्स कंट्रोलर। केवल फाविपिराविर नुहे अजिथ्रोमाइसिन ओ विटामिन सी परि न प्रकार कोरोना रे बहुल व्यवहृत औषध मैक्स रिलीफ हेल्थ केयर द्वारा प्रस्तुत हो बजारे उपलब्ध थिबा कथा ड्रग्स कंट्रोलर को चढ़ाऊ सामना को आसीथिला। फाविपिराविर नकली हेबार वैज्ञानिक प्रमाण मिल सारी हेले एजाए से ही कंपानी प्रस्तुत अजिथ्रोमाइसिन और विटामिन सी रा परीक्षा रिपोर्ट कुआडे गला ताकू नहीं उठी प्रश्न कहीं मुह खोलूना ड्रग्स कंट्रोलर कि स्वास्थ्य मंत्री अभियोग होता भूत कंपानी संधान पाइले कि सरकार आई भेजाल औषध केते लोक खाई तार हिसाब अच्छे कि सरकार भेजाल औषध खाई कहार समस्या हेले
କିଏ ନେବ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ? ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଗିରଫଦାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କରିଥିବା କାମର ହିସାବ ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। 158 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ 92 ଅର୍ବାନ ୱାର୍ଡରେ କାମ ହୋଇଛି। ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସବୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମ ଟିମ୍ କାମ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏ ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶର ରାଜନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ। ସେହିପରି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 365 ଦିନ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଲୋକେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 300 ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଏତେ ନଥାଏ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭରସା କରିଛୁ, ଇମିଡିଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତତ୍କାଳ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।